हाय फ्रेंड्स, मैं खुशी, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आम का खट्टा मीठा और थोड़ा सा तीखा पापड़ बनाना बताऊंगी। ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, मेरी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। हमने 6-7 आम धो के ले लिया है, अब इसे छील के इसका पल्प हम निकाल लेंगे। अब हमने इसका पल्प निकाल लिया है, अब हम इसे मिक्सर जार में ग्राइंड कर लेंगे। पैन गरम हो गया है, अब इस प्यूरी को हम डाल देंगे इसमें। अब इसमें हम गुड़ डालेंगे, अच्छी तरह से हम इसे पका लेंगे। इस चम्मच से हमने 1 चम्मच चाट मसाला ले लिया है, 1 चम्मच सौंफ पाउडर, और इस चम्मच से 1/2 चम्मच काला नमक, 1/2 चम्मच सफेद नमक, 1 पिंच लाल मिर्च है, 1/2 चम्मच काली मिर्च, 1/2 चम्मच से थोड़ा सा कम है, जीरा पाउडर 1/2 चम्मच। अब सारे मसाले को हमने इसी तरह चलाते हुए इसको पका लिया है, अब यह गाढ़ा हो गया है, अब इसमें हम सारे मसाले डालेंगे। चाट मसाला, काला नमक, लाल मिर्च, काली मिर्च, सौंफ पाउडर, जीरा पाउडर, सफेद नमक हम बाद में डालेंगे। इसे मिक्स कर लेंगे। अब थोड़ा सा हम सफेद नमक डालेंगे, थोड़ा सा, नमक ज्यादा नहीं होना चाहिए, टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे। अब यह खूब गाढ़ा हो गया है, अब हम इसे ठंडा करेंगे। हमने एक फॉइल के ऊपर घी लगा के इसको जमा दिया है, अब हम इसे धूप में रखेंगे। किसी भी प्लेट या थाली में घी लगा के आप इसे जमा सकते हैं। इसे हमने हल्के कपड़े से ढककर 3 दिन तक धूप में सुखा लिया है। यह बहुत आसानी से निकल जाता है, अब हम इसे काट लेंगे। हम एक नाइफ या पिज्जा कटर की हेल्प से ऐसे काट लेंगे। आम पापड़ खाने के लिए रेडी है।
ज्यादा क्वांटिटी में आप इसे बना के और अच्छी तरह से सुखा के स्टोर भी कर सकते हैं। यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए।